देश की सेवा में अपना तन मन धन अर्पण करने वाले इस महान कृषि वैज्ञानिक ने अंधकार के उस दौर में देश में कृषि अनुसंधान और विकास की जिम्मेदारी संभाली थी, जब देश दाने दाने को मोहताज था। लेकिन अपने समर्पण, तपस्या और दूरदृष्टि के दम पर जिसने देश में कृषि उत्पादन की तस्वीर बदल दी, जिसकी जिंदगी गुलाब की खुशबू की तरह आज भी लोगों को प्रेरित कर रही है, सारी दुनिया में देश का सिर ऊंचा करने वाले किसानों के महानायक थे डॉक्टर बेंजामिन पियरे पाल। बीपी पाल साहब का जो कृषि में जो भी उनका योगदान है, वो इतना इस तरह का योगदान है कि अगर वो नहीं होते आज हम इस सीढ़ी पे नहीं रहते जहाँ से हम दुनिया को देख रहे हैं। क्योंकि जो भी कमियाँ थी उस वक्त, जिस वक्त बीपी पाल साहब ने 1934 में जब शुरू किया अपना एग्रीकल्चर करियर पूसा बिहार में, तब भारत का हालत इतना ख़राब था, जहाँ से हम यहाँ पहुँचे हैं उसमें उनका योगदान सिर्फ उन सवालों का या उन कठिनाइयों से दूर करने की ही नहीं, जो रास्ते बनाने थे जिससे हम चले आगे, आने वाली पीढ़ी जो जैसे मैं मेरे जैसे लोग चले, जिससे कि चलते चलते हम जो जो सवाल आते रहें उनका हम जवाब देते रहें, वो उन्होंने जो एक तैयारी की देश के लिए, वही एक सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि हम आत्मनिर्भर इसी वजह से हुए हैं, अगर वो सिर्फ वही करते जो उनके साथ ही उस वक्त जो गोरे थे ब्रिटिश के लोग थे वो करते, तो फिर हम उसी जगह शायद रहते, कुछ नई नई तकनीकें निकालते, लेकिन जो पूरी तरह से जिस तरह से कृषि में आना चाहिए, उभर के आना चाहिए कृषि देश में, वो नहीं आता जो अगर वो ऐसे करते होते। नियत समय से मेरे हिसाब से कम 20-25 साल आगे निकले हो। देश की जनसंख्या में बेहिसाब इजाफे को देखते हुए खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और बेहतर इस्तेमाल की जरूरत को देश के जिस कृषि वैज्ञानिक ने दशकों पहले भांपा और इस चुनौती पर विजय पाने के लिए जी जान से जुट गए, वो थे महान कृषि वैज्ञानिक, भविष्य दृष्टा और देश के युवा कृषि वैज्ञानिकों के लिए रोल मॉडल बेंजामिन पियरे पाल। इन्हें दुनिया डॉक्टर बीपी पाल के नाम से भी जानती है। तो छाता लेके, रोटी लेके फील्ड में मई जून के महीने में भी पसीना होता था, तो साइंस और जो उनके नीचे काम करते थे वो कहते थे पसीना हो गया साहब, कब जाएगा कहते थे, मेरे से देख के हंसते थे कि उनको भी पसीना होता था। काफी मेहनती आदमी थे, ऐसा आदमी देखे नहीं मैंने। भूख के खिलाफ लड़ाई में अमिट योगदान देकर देश का गौरव बढ़ाने वाले वैज्ञानिकों में शुमार थे डॉक्टर बीपी पाल। दशकों पहले डॉक्टर बेंजामिन पियरे पाल ने देश को कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कमर कसी थी। इंडिया का हालत उस वक्त, जैसे गेहूं में 800 से 900 केजी पर हेक्टेयर का यील्ड था, जब उन्होंने अपना करियर खत्म किया तब हम करीब 35 क्विंटल के आसपास पहुंचे, 3.5 क्विंटल के आसपास पहुंच चुके थे उस एरिया में। एवरेज हमारा 900 केजी से करीब 2400 केजी तक पहुंच गया था जब उन्होंने अपना करियर समाप्त किया, तो 3 गुना या 4 गुना उन्होंने बढ़ाने में मदद की थी। डॉक्टर बीपी पाल का मानना था कि पौधों की नई प्रजातियों की तलाश मानवता के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। कृषि क्षेत्र के धुरंधर वैज्ञानिक डॉक्टर बीपी पाल ने जीन की ताकत को देश के वैज्ञानिकों के सामने उजागर किया और नए जीनों की खोज को एक मंत्र के रूप में अपनाया। डॉक्टर बीपी पाल ने अपनी पूरी जिंदगी इसी रास्ते पर झोंक दी। मेरे हिसाब से कम 20-25 साल आगे निकले वो, और जो उन्होंने 1942 में लिखा जो नए जीन की खोज, वो आज भी इतना रिलेवेंट है, जिसके बेसिस पे इतने बड़े बड़े संस्थान बन गए, बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बन गए। डॉक्टर बीपी पाल के सामने अपने काम को हिंदुस्तान में आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन मौका था। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देश में मौसम की विविधता ने
वनस्पतियों के कई प्रकार की प्रजातियों को फलने फूलने का मौका दिया था। हिमालय से लेकर अंडमान निकोबार तक और पश्चिमी घाट से लेकर उत्तर पूर्व तक पौधों की हजारों प्रजातियां मौजूद थी। डॉक्टर बीपी पाल ने भारत में मौजूद इस अवसर को पहचाना और पूरी लगन के साथ नए जीन की तलाश में जुट गए, ताकि इनका इस्तेमाल देश में अन्न उत्पादन को बढ़ाने के साथ लोगों को भूखमरी के दुष्चक्र से निकालने के लिए किया जा सके। कृषि विज्ञान का असीम ज्ञान और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, डॉक्टर बेंजामिन पियरे पाल की ये खूबियां उन्हें अपने समकक्ष वैज्ञानिकों की कतार में सबसे अलग खड़ा करती थीं। यही वजह थी कि जब बिहार में भयंकर भूकंप के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को बिहार के पूसा से दिल्ली लाया गया, तो कृषि क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाले इस अहम संस्थान की जिम्मेदारी डॉक्टर बीपी पाल के कंधों पर आई। साल 1936 में दिल्ली में IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। डॉक्टर बीपी पाल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पहले भारतीय निदेशक बने और साल 1965 तक बीपी पाल इस पद पर बने रहे। साल 1932 में डॉक्टर बीपी पाल ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री हासिल की थी। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान डॉक्टर बीपी पाल ने गेहूं की संकर किस्मों की बारीकियों को जाना और परखा। डॉक्टर बीपी पाल ने 1965 से 1972 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पहले महानिदेशक का पदभार संभाला। Fond memories of Dr. Paul and he was fond of me and I was very respectful of him. As I said, India was fortunate that at a time of its independence in 47 we had the leaders Dr. Paul, like Dr. Paul, who later on became the director of IARI. And he also became the director general of the Indian Council of Agriculture Research. I had the good fortune of succeeding him in every one of these posts as director IARI, director general of the Indian Council of Agriculture Research. And I had also the privilege of getting a special stamp released by the government on the occasion of the birth centenary of Dr. Paul. Unki ye prabhutva thi jis wajah se jab gore the तब भी वो अध्यक्ष बने, बॉटनी डिवीजन का अध्यक्ष बने, उनके नीचे ब्रिटिश थे। तो ये उस वक्त जब फ्रीडम स्ट्रगल था और भारत में इतना ज़्यादा कठिनाइयाँ थी भारतीयों के लिए, और उस वक्त उन्होंने ये जो हासिल किया वो उनकी काबिलियत बारे में बताती है। हालांकि इस ऊंचे शिखर तक पहुंचने के लिए डॉक्टर बीपी पाल ने लंबा सफर तय किया। 26 मई 1906 को पंजाब के जालंधर में जन्मे डॉक्टर बीपी पाल राला रामपाल और इंदर देवी की सबसे छोटी संतान थे। छोटी उम्र में ही वो अपने फिजिशियन पिता के साथ बर्मा चले गए। स्कूल की शिक्षा के दौरान ही उनका झुकाव पौधों और पेंटिंग्स की तरफ हुआ, जो उनके आखिरी वक्त तक जारी रहा। साल 1932 में डॉक्टर बीपी पाल ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री हासिल की थी। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान डॉक्टर बीपी पाल ने गेहूं की संकर किस्मों की बारीकियों को जाना और परखा। साल 1933 में डॉक्टर बीपी पाल कैम्ब्रिज से बर्मा लौट आए और चावल के अनुसंधान में जुट गए। इसी साल बीपी पाल ने बर्मा से हिंदुस्तान लौटने का फैसला किया और बिहार के पूसा में इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान में आर्थिक वनस्पति शास्त्री के तौर पर तैनात हो गए। साल 1947 में आजादी के बाद इस संस्थान का नाम रखा गया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। देश भर में अनुसंधान के कामों में तेजी के लिए डॉक्टर पाल ने पहली बार समन्वित अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की। राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों को केंद्र के संस्थानों के साथ जोड़ने का यह मिशन बेहद कामयाब रहा। दुनिया के कई देशों ने डॉक्टर बीपी पाल के अनुसंधान के इस तरीके को मॉडल की तरह अपनाया। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में
बेहतरीन काम के लिए डॉक्टर बेंजामिन पेरेपाल को देश के कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया। साल 1959 में पद्मश्री, साल 1968 में पद्म भूषण और साल 1987 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान मिला। डॉक्टर पाल बेहतरीन लेखक थे। कई वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने लेख लिखे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर बेंजामिन पेरेपाल कृषि अनुसंधान के सच्चे योगी थे। वो देश और दुनिया के नामी संस्थानों से जुड़े रहे। साल 1972 में बीपी पाल रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। वो देश विदेश की कई संस्थाओं के मानद सदस्य और फेलो भी रहे। साल 1974 में बीपी पाल इंडियन साइंस कांग्रेस और साल 1975 में इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर पाल रोज और बोगनविलिया सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की भी स्थापना की थी। कहा जाता है कि भारत में कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में कामयाबी की कहानी डॉक्टर बीपी पाल की कामयाबी की दास्तान से शुरू होती है। डॉक्टर बीपी पाल को फूलों से बेहद लगाव था, खासकर गुलाब के फूलों में उन्हें बेहद दिलचस्पी थी। डॉक्टर बीपी पाल वाज अ वेरी एमिनेंट वीट ब्रीडर। ही वाज नॉट ओनली वीट ब्रीडर बट अ वेरी ग्रेट रोज ब्रीडर, बोगेनविलिया ब्रीडर। He was a lover of nature. He was a great lover of nature, and he had a wonderful, wonderful method of encouraging young students. He gave all facilities, all encouragement, no interference. He was one of those remarkable teachers, guides, and leaders. I think very, very, very seldom do we see a person of Dr. Paul's magnanimity in thought, magnanimity in work. And excellence. He took the agricultural area very far. He developed a large number of wheat varieties. One of them called NP809 had resistance to all the three rusts, the stem rust, the stripe rust and the leaf rust. देश को डॉक्टर बीपी पाल ने सबसे बड़ा तोहफा गेहूं अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में दिया। गेहूं अनुवांशिकी और प्रजनन के काम को आगे बढ़ाते हुए बीपी पाल ने पाया कि गेहूं में रस्ट बीमारी की वजह से उसके उत्पादन पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। बीपी पाल ने गेहूं अनुवांशिकी और प्रजनन के क्षेत्र में काम करते हुए न्यू पूसा श्रृंखला के गेहूं की दो किस्में विकसित की। NP 700 और NP 800 को विकसित कर डॉक्टर पाल ने देश में कृषि अनुसंधान के काम को नई दिशा दी। इन दोनों किस्मों में रस्ट नाम की बीमारी से प्रतिरोधक क्षमता थी। वहीं गेहूं की NP 809 प्रजाति तो सभी तरह के रस से मुकाबला करने में सक्षम थी। मैं उनकी उल्लेख अगर करूं तो उनकी हिसाब से करूं तो पहला उन्होंने जो किया वो गेहूं में किया। गेहूं में जो नई वैरायटीज उन्होंने बनाई उनको न्यू पूसा नाम से जानते हैं, एनपी सीरीज से जानते हैं न्यू पूसा नाम से। उनकी जो ट्रेनिंग हुई शुरुआत की वो भी एक बहुत ही मेधावी पुरुष के साथ हुई, डॉक्टर होवार्ड, जिनके बाद इन्होंने टेक ओवर किया। और जो इन्होंने सीखा उनके थ्रू, उन्होंने जो किया था मटेरियल उसको इतने आगे बढ़ाया, क्योंकि उस वक्त जो स्थिति थी या साइंस था जेनेटिक्स का उभर के आया था, और ये पहले आदमी थे जिन्होंने कैम्ब्रिज में PhD करके हिंदुस्तान में दोबारा आके अपना काम शुरू किया, और हाइब्रिड का टेक्नोलॉजी का उसी वक्त, जबकि दुनिया में इसका कोई बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ था, इन्होंने कोशिश की थी टोमेटो में, गेहूं में, धान में और मक्के में करने की कोशिश कर रही थी। कुशल नेतृत्व और अपने साथियों को प्रेरित करने की क्षमता ने डॉक्टर बेंजामिन पेरेपाल को किसानों का महानायक बनाया। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी इस सफलता को दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने सराहा। डॉक्टर बीपी पाल की यह सफलता हिंदुस्तान में
कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई। साथ ही इसने देश के युवा कृषि वैज्ञानिकों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। गेहूं में इन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया, दुनिया का सबसे पहला, किसी भी क्रॉप में दुनिया का सबसे पहला ब्रीडिंग फॉर रस्ट रेजिस्टेंस एक प्रोजेक्ट जो बनाना, उसके बारे में सोचना और प्रोजेक्ट के लिए एक स्टेशन बनाना, इतना ऊंची सोच या इतनी दूर की सोच ये उन्होंने उस प्रोग्राम में दिखाया था। वो आज भी हिंदुस्तान का एक शान है गेहूं की ब्रीडिंग में, जो हम दुनिया में सबसे आगे हैं। ये हमें कहने में बहुत ही हर्ष होता है, जबकि इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी हैं, लेकिन आज भी गेहूं की विकास में या गेहूं की नए वेराइटीज़ के विकास में हमसे आगे कोई भी नहीं है। हम इंडिया सबसे ज़्यादा आगे है, और वो भी रस्ट डिजीज मैनेजमेंट में हमसे बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसका नींव भी डॉक्टर पाल ने डाली थी, उनकी वैरायटीज भी उसी तरह थी। दुनिया का सबसे पहला रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी जो तीनों रस्ट के लिए रेजिस्टेंट थी, उन्होंने पहली निकाली थी, सबसे पहले दुनिया में। डॉक्टर बीपी पाल ने जो सपना कई दशकों पहले देखा था, देश में हरित क्रांति की सफलता ने उनकी सोच को सही साबित कर दिया। देश में हरित क्रांति ने जीन की ताकत को दिखाया। आनुवंशिक तौर पर उन्नत किस्मों के विकास ने दुनिया भर में कृषि उत्पादन को नई ताकत दी। आज की जो एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है, और जिस तरह से हम देश के अलग अलग प्रॉब्लम्स का हिसाब से हम अपनी रिसर्च कराते हैं, उनका नींव उन्होंने डाली थी। तीक्ष्ण बुद्धि लेकिन बेहद ही नम्र स्वभाव, इस महान वैज्ञानिक से मिलने वाले इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे, क्योंकि उनका विचार वैसा नहीं थे कि ये गरीब है या कुछ है। खान पीन में हर चीज में पूछते थे, पैसों के बारे में पूछेंगे, कोई तकलीफ तो नहीं है। जो अपने लिए बाजार से दवाई लाई वो हमारे लिए लाते थे, और जो अपना फल लाएंगे वो मेरे लिए भी लाएंगे। एक लड्डू भी होगा उसको काट के कहता है आधा आप खाओ आधा मैं खा लूँगा। तो इस तरीके से भी मन में बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने कहा ऐसा आदमी को छोड़ना गलत है, क्योंकि इतना बड़ा साइंटिस्ट है, और काफ़ी लोग जो पूजा करते थे मैं देखता था, कई लोग आते थे, उनसे गाय हर एक चीज पूछते थे, इसी तरह मेरे मन में भी अच्छा लगा। कृषि वैज्ञानिक और विकास के क्षेत्र में गहरी दिलचस्पी, विषय पर मजबूत पकड़, किसानों के हालात, उनकी परेशानियां और जरूरतों से जुड़ाव, कुशल नेतृत्व और अपने साथियों को प्रेरित करने की क्षमता ने डॉक्टर बेंजामिन पेरे पाल को किसानों का महानायक बनाया। हर वक्त उनके जहन में देश के किसानों और खेतों को नया जीवन देने की भारी भरकम योजना उमड़ घुमड़ करती रहती थी। जब मैं यहाँ पीएचडी कर रहा था तब वो आईसीआर से रिटायर कर चुके थे, लेकिन हमें रोज़ ही लाइब्रेरी में मिलते थे, तो हम काफ़ी उस तरह के डिस्कशन करते थे, जो जेनेटिक्स में या प्लांट ब्रीडिंग में जो नयापन, नया चीज़ उस वक्त जो आ रही थी 1980 के दशक में आ रही थी, वो क्या क्या चीज़ें थी, वो अपने एक्सपीरियंस से हमें, मुझे समझाते थे उन्होंने जो क्या किया। डॉक्टर बीपी पाल एक कृषि वैज्ञानिक ही नहीं थे, एक इंसान के तौर पर भी उन्होंने अपना सारा जीवन ऊंचे आदर्शों के साथ जिया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में काम करते हुए उन्होंने सारी दुनिया में नाम कमाया। जिंदगी के अंतिम वक्त में भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रति उनका ये लगाव कम न हुआ। 15 साल तक जिस संस्था की उन्होंने जी जान से सेवा की, उसी को उन्होंने अपनी सारी संपत्ति वसीयत कर दी। डॉक्टर बीबी पाल तो हम IRA के हर हिस्से में है, और यही वजह थी जो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मैं हूँ सिर्फ IRA की वजह से हूँ, चाहे मैं DG बना या कुछ भी और बना, ये सभी IRA की वजह से है। इसीलिए मेरे लिए बहुत ही बड़ा मौका है कि मैं जो मेरे पास है उसको मैं IRA को वापस दे दूँ, क्योंकि मेरे जैसे और भी बहुत निकलेंगे, क्योंकि भारत देश के लिए ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है, उसको एनकरेज करने के लिए मैं जो भी मेरे पास है मैं भारत को IRA को देना चाहूँगा, क्योंकि IRA ही है जिससे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उनका वो धारणा थी, इसलिए उन्होंने जो दिया उसका हम आज भी याद करते हैं। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन हमने आज तक डॉक्टर पाल की किसी चीज़ में याद नहीं की हो, या किसी चीज़ में उनकी ओपिनियन को नहीं लिया हो जो उन्होंने उस वक्त दिया, या उनकी जो डिस्कशंस या डिसीशंस को आज इस्तेमाल ना किया हो, ऐसा कोई भी दिन नहीं आता। इतना उनका योगदान है, हर ईट ईट में हम कह सकते हैं पाल साहब का नाम है। मैं अपने देश के लिए करता हूँ, कह रहे थे जो भी करूँगा उन्हीं के लिए, देश के लिए,
क्योंकि वहीं से मैंने सब कुछ किया, वहीं से पढ़ाई भी करी, वहीं से सब कुछ किया, उसी में उन्हीं को बाद में मैं हैंडओवर कर दूंगा। दिल्ली में डॉक्टर बीपी पाल के इस मकान को संग्रहालय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डॉक्टर बीपी पाल से जुड़ी चीजों का संग्रह है। 14 सितंबर 1989 की दुखद घड़ी में इस देश ने अपना सच्चा सपूत खो दिया। डॉक्टर बीपी पाल अनंत के सफर पर निकल पड़े, लेकिन व्यक्तिगत मूल्यों और खुद के स्थापित किए ऊंचे मानदंडों को पार करते हुए डॉक्टर बीपी पाल ने दुनिया को दिखा दिया था कि हिंदुस्तान अन्न उत्पादन के क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं रहने वाला। अपने जीवन काल में ही इस महानायक ने वो कारनामा कर दिखाया था जिसकी मिसाल दुनिया में कम ही देखने को मिलती है। घड़ी थी हाथ में, घड़ी के हिसाब से चलते थे, जैसा कैसा आदमी उसके साथ काम भी नहीं कर सकता था, साहब के साथ थक जाता था, मतलब वो हार मान लेता था। अब इस महान वैज्ञानिक की इसी सोच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी देश के युवा कृषि वैज्ञानिकों के कंधों पर है। डॉक्टर बीपी पाल के बताए रास्तों पर चलते हुए अगर ये देश अन्न उत्पादन के क्षेत्र में और मजबूती से खड़ा होता है तो किसानों के महानायक, कृषि अनुसंधान के प्रणेता और महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीपी पाल को यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। पंजाब के खेतों में गेहूं और धान की जगह आलू उगाकर फायदा कमाने का फॉर्मूला लाने वाले उस परिवार का नाम है सांगा परिवार। जरा देखिए इन दूर दूर तक फैले खेतों को और खेत से आलू निकालती इन मशीनों को। न सिर्फ इस पूरे इलाके में बल्कि देश में पोटैटो किंग के नाम से मशहूर है सांगा परिवार। सांगा परिवार की दूसरी पीढ़ी के प्रगतिशील और कामयाब किसान हैं जंग बहादुर।